नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत सुधा के लेसन 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक लीजिए और ओपन कीजिए पेज नंबर 23, साथ में पेंसिल भी लीजिए और मेरे साथ ही आप इसको भरेंगे, बुक में भरेंगे। इस पेज यहाँ पर दिया हुआ है, ओपन कर लीजिए अपनी बुक। चतुर्था पाठ है जो कि यूयम और वयम है। पेज नंबर 23 ओपन कीजिए। इसमें देखिए पहला प्रश्न, देखिए कोष्ठक स्थित धातुओं के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों देखिए यहाँ पर एक तो उदाहरण दिया हुआ है, जो भी वाक्य लिखा है यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर ब्रैकेट में कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ पर धातु दिया है, उस धातु का उचित रूप लिखना है। किसके अनुसार? वाक्य जिस संज्ञा या सर्वनाम से शुरू हो रहा है उसके अनुसार हमें उस धातु रूप को परिवर्तित करके, चेंज करके, जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें हमें भरना है। तो देखिए पहला क्या है, वयम ना डैश और ब्रैकेट में दिया है लिख, तो यूयम और वयम के साथ, वयम के साथ जो धातु होती है उसमें मा विसर्ग आता है आखिरी में। वयम के साथ जब वाक्य शुरू होता है तो जो हमारा धातु होता है यानी क्रिया जो होती है उसके लास्ट में मा विसर्ग आता है, और जब वाक्य में यूयम हो यानी यूयम से शुरू होगा तो जो क्रिया होती है उसके आखिरी में था होता है। तो उसके अनुसार हम देखते हैं, देखिए पहले का कार जो है क्या लिखा है, वयम ना और फिर ब्रैकेट में क्या दिया है लिख, तो वयम से शुरू हो रहा हमारा वाक्य तो हमारा लिख जो है वो क्या बन जाएगा, लिखामा। क्या बन गया, लिखामा। देखिए पहले वाक्य के बाद में ये एक ही सेंटेंस है, इस पेज पे पेज को टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 24 खा इसमें है, खा में देखिए यूयम ना पठ दिया है, देखिए वाक्य आपका यूयम से शुरू है तो पठ में क्या लग जाएगा, था लग जाएगा, पठक। तो यहां पर हम दूसरे में पठक भरेंगे, साथ में ही आप लोग भी इसको भरिए। गा देखिए, गा में क्या है, वयम गृहम डैश और ब्रैकेट में क्या दिया है गम, तो वयम के साथ है तो गम का क्या हो जाएगा, गच्छामा। मा विसर हो गया गच्छामा। घा देखी वयम डैश और ब्रैकेट में क्या है खेल, तो वयम से शुरू है वाक्य तो ये क्या हो जाएगा, खेलामा। खेल क्या बन जाएगा, खेलामा। इस तरह से अंगा देखिए, यूयम जलम पा ब्रैकेट में क्या दिया है पा, तो वाक्य किससे शुरू हुआ है, यूयम से, तो पा पिप से चलता है इसका रूप ना, तो ये हो जाएगा पिपत। चलिए इसको भरिए। प्रश्न नंबर एक हो गया, देखिए पहले में क्या है लिखामा, दूसरे में पठत गा, तीसरा मतलब गा, इसमें क्या होगा गच्छामा, घा में देखिए खेलामा और अंगा में पिबत। आप नंबरी कर लीजिए या काखा गाघा ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इसको मिलाइए, हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, प्रश्न दो, शुद्ध वाक्य लिखिए, मतलब जो वाक्य दिया है वो अशुद्ध है इसे हमें शुद्ध करना है। एक उदाहरण दिया है, यूयम भोजनम कुर्मा, इसमें भी हम वही देखेंगे कि वाक्य किससे शुरू हो रहा है, यूयम या वयम से, इसके अनुसार हमें उसकी क्रिया को यानी धातु को करेक्ट करना है, शुद्ध करना है। यूयम भोजनम कुर्मा, तो देखिए यूयम भोजनम कुर्मा नहीं होगा, कुरुत होगा, क्योंकि वाक्य जब यूयम से शुरू होगा तो उसके क्रिया में धातु में था लग जाएगा, तो कुर्मा का क्या हो गया, कुरुत हो गया। ये तो आपका उदाहरण था। का देखिए, यूयम ना नृत्य से, यूयम से शुरू है और इसका इसकी क्रिया जो दी है वो नृत्य सी है, तो जो कि गलत है, तो नृत्य किस में बदल जाएगा, नृत्यथ में बदल जाएगा। चलिए उसको लिखिए। ये देखिए प्रश्न दो क्या है, का यूयम ना नृत्य, जो स्पेस दिया है आपकी बुक में उस स्पेस में आप भरिए, का के सामने यूयम ना नृत्य के सामने लिखिए यूयम ना नृत्य, ये था हो जाएगा।
यूएम के साथ था आएगा, ठीक। खा देखिए वयम ना नृत्यत, अब वयम से शुरू है लेकिन इसके वर्ब में यानी इसकी क्रिया में था लगा है, जबकि क्या होना चाहिए, मां विसर्ग होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा वयम ना नृत्यामा। इसको लिखिए वयम ना नृत्यामा, यहां पर विसर्ग होगा, वयम ना नृत्यामा हो गया। गा देखिए वयम गायामि, वयम के साथ गायामि, मां पर छोटी की मात्रा लगा है, क्या होना चाहिए, मां और विसर्ग, तो क्या हो जाएगा वयम गायामः, वयम गायामः हो गया। यूयम ना नृत्यत, वयम ना नित्यामा, वयम गायामा। अब घा देखिए वयम भोजनम कुरुत दिया है, जबकि क्या हो जाएगा वयम भोजनम कुर्मः, वयम भोजनम कुर्मः, इस तरह से लिखेंगे। और अंगा क्या है, यूयम पुनः मिलामा, तो यूयम पुनः मिलत, पुनः मिलत, ये हो गया, जल्दी से इसको फिर कर लीजिए। देखिए ये जो बिंदी लगी है यूयम और वयम पर, अगर हम ये बिंदी ना लगाए तो यहाँ पर हम माँ और उसके नीचे हरंत लगाते हैं, दोनों तरह से लिखा जाता है, हो गया। तो ये प्रश्न नंबर दो हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए, इसमें एक साइड में चित्र बना हुआ, आप देखिए वाक्य को पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए और उसके हिसाब से आपको चित्र में इसका मिलान करना है। यूयम नृत्यत, तुम सब, अब देखिए नृत्य करना अक्सर किसके साथ होता है, लड़कियों के साथ, यूयम नृत्यत, और यहाँ पे देखिए कहाँ दिया हुआ है, बालिकाएं लड़कियां कहाँ पर नृत्य कर रही हैं, चौथे वाले चित्र में, नीचे से दूसरा और ऊपर से चौथे वाले चित्र में, तो पहले वाले को हम चौथे वाले चित्र से मिलान करेंगे, मिलाइए आप लोग पेंसिल से। खा देखिए वयम गायामः, हम सब गाते हैं, गाने का क्या, लास्ट वाला आखिरी चित्र से मिलाइए खा वाला, वयम गायामा, इसको आप आखिरी चित्र से मिलाइए, हो गया। गा देखिए, अब गा में यूयम भोजनम कुरुत, कहाँ पे भोजन कर रहे हैं, दूसरा चित्र देखिए, तुम सब भोजन करते हो, गा को दूसरे वाले चित्र से मिलाइए, हो गया। अब देखिए घा, वयम प्रणमामः, हम सब प्रणाम करते हैं, तीसरा चित्र, लड़के हाथ जोड़कर खड़े हैं, घा को तीसरे वाले चित्र से मिलाइए, वयम प्रणमामः। फिर अंगा देखिए वयम गृहं गच्छामः, लास्ट वाला जो अंगा, लास्ट वाला वाक्य जो है, इसको हम किससे मिलाएंगे, पहले वाले चित्र से मिलान कीजिए इसका, हो गया। तो प्रश्न नंबर तीन यहीं पर खत्म हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर चार, जो कि पेज नंबर 25 पे है, पेज नंबर 25 पे देखिए प्रश्न नंबर चार, उचित शब्द को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ देखिए बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे वयम और यूयम का दो स्तंभ बनाया गया, दो कॉलम बना है, एक में वयम लिखा है और एक में यूयम लिखा है, और बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। अब आपको कौन से शब्द वयम में आएंगे और कौन से शब्द यूयम में आएंगे, इसमें से छांट कर लिखना है। तो आपको पहले बताया है ये सब जितने भी बॉक्स में जितने भी शब्द दिए गए हैं, ये सब क्या है, क्रिया दी गई है, सारे धातु दिए गए हैं, तो वयम के साथ क्या आता है, मां विसर्ग, इसके साथ जो क्रिया आती है उस क्रिया में आखिरी में मां विसर्ग होता है, इसी से आप पहचान जाइए कि वयम के साथ क्रिया में मां विसर्ग आएगा आखिरी में, और यूयम के साथ उसके साथ जो क्रिया होगी उस क्रिया में आखिरी में था आएगा।
तो जितने शब्दों में मा और विसर्ग है आखिरी में वो वयम वाले कॉलम में लिखिए, और जितने शब्दों में आखिरी में था लिखा है वो यूयम वाले कॉलम में लिखे। चलिए लिखिए आप लोग, हम बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर टैली भी करिएगा। ये कौन सा प्रश्न है? नंबर 4। एक कॉलम बना है वयम का, ठीक, और दूसरा कॉलम क्या बना है? यूयम का। वयम और यूयम का दो कॉलम बना हुआ है। देखिए वयम में मा विसर्ग वाले आएंगे और यूयम में था शब्द वाले आएंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? देखिए इसमें आ गया नित्यामा, नित्यामा हो गया, गायामा, देखिए गा पर आ की मात्रा या पर आ की मात्रा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में आ की मात्रा होगी। देखिए यहाँ पर मा और विसर्ग दिया है ना आखिरी में, इस तरह से आप लोग खुद ही कर सकते हैं, इसको हम भी लिख रहे हैं, आप लोग टैली कर लीजिएगा। गा में देखिए कुर्मा, घा, प्रणमामा, अंगा देखिए मिलामा। देखिए सारे शब्दों में आखिरी में देखिए मा विसर्ग आया हुआ है, कौन कौन से हो गए? नित्यामा, गायामा, कुर्मा, प्रणमामा और मिलामा, ये हो गया। अब देखिए यूएम में कौन कौन सा लगेगा? यूएम में नित्य थे, जिन शब्दों के आखिरी में था है, जिन शब्दों के आखिरी में था है वो यूएम वाले कॉलम में लिखा जाएगा। नित्यथ, कुरुत, कुरुत हो गया, गायत, आगच्छत, मिलत। देखिए जितने भी शब्द दिए गए हैं सबके आखिरी में क्या है? था दिया हुआ है। अब आप लोग लिखने के बाद इसका मिलान कर लीजिए। देखिए यूएम में नित्यत, कुरुत, गायत, आगच्छत और मिलत। लिखिए इसको। हो गया, टैली कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? इसमें बहुवचन में लिखिए, जो वाक्य दिया हुआ है उसे आपको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। अब ये है प्रश्न नंबर 5। क्या दिया हुआ है? तुम पठसी, तुम पठसी, दोनों को। अब देखिए तुम का बहुवचन क्या बनेगा? यूयम। तुम का क्या बनेगा? यूयम। और जब तुम यूयम में बदल गया तो यूयम के साथ अब वो, जैसे तुम में पठस लिखा हुआ है तो यूयम के साथ वो पठत हो जाएगा। तो यूयम पठत का हो गया। खा में देखिए अहम पश्यामी, अहम को जब हम बहुवचन में बनाएंगे तो वयम बन जाएगा, और पश्यामी जो है वो वयम के अनुसार पश्यामा में परिवर्तित हो जाएगा। खा वयम पश्यामा, वयम पश्यामा, ठीक है। गा देखिए, गा में तुम लिखसी, तुम किसमें होगा? तुम का बहुवचन बनाएंगे तो यूयम हो जाएगा, और लिखसी जो है वो अब यूयम के अनुसार वो लिखत में परिवर्तित हो जाएगा। गा तुम लिखसी, गा में हो जाएगा यूयम लिखत, ये हो गया। घा देखिए अहम चलामी, ये क्या हो जाएगा? अहम जो है वो वयम में परिवर्तित हो जाएगा, और चलामी जो है वयम के अनुसार चलामा में परिवर्तित हो जाएगा, दोनों परिवर्तित होगा। अंग देखिए तुम वदसी, तुम किस में परिवर्तित होगा? अब तो आप लोगों को आइडिया हो गया है, तुम यूयम में परिवर्तित होगा।
और इसके साथ क्या लगा है वदस, तो यूएम के अनुसार वो क्या हो जाएगा वदत, ये हो गया। देखिए पांचवे का काम है यूएम पठत, वयम पश्यामा, यूएम लिखत, वयम चलामा, यूएम वदत। इसको कीजिए, हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 5 था और इसी के साथ ही इस पाठ का जो एक्सरसाइज है यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।